यस डीएम के खिलाफ रविवार 22 मई को लगे उप जिलाधिकारी मुर्दाबाद के नारे। शनिवार 28 मई 2022 को उप जिलाधिकारी प्रोला ने थानाध्यक्ष प्रोला को विधायक प्रोला के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को लिखा पत्र। घटनाक्रम पर आगे बढ़ने से पहले आइए हमारी खास टैगलाइन अवश्य सुने। जिस देश के विधायक व सांसद निधि बेचकर कमीशन खाते हैं, भला उस देश के मंत्री व अधिकारी घूसखोरी नहीं करेंगे तो भला क्या जनता की सेवा करेंगे। एसडीएम प्रोला द्वारा थानाध्यक्ष प्रोला को दी गई तहरीर के इतर आइए पूरे घटनाक्रम पर एक नज़र डालते हैं। दरअसल विगत 3 महीनों से नगर पंचायत प्रोला द्वारा अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी खुद अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान का नेतृत्व कर अवैध निर्माण को ढहा रहे हैं। यही नहीं, इस कड़ी में उनके द्वारा सर्वप्रथम खुद की पैतृक संपत्ति पर बने निर्माण को गिराया गया। वार्ड नंबर 5 व 6 के अंतर्गत चले अतिक्रमण के खिलाफ अभियान में हल्की नोकझोंक के बावजूद लोगों के रास्ते चौड़े होने लगे, जिन्हें आम जनता के द्वारा खूब सराहना मिल रही है। मगर रविवार 21 मई को अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान ने प्रोला गांव की ओर को जाने वाले रास्ते पर कार्रवाई शुरू की, वैसी ही हंगामा हो गया। इसी के परिणाम स्वरूप विधायक दुर्गेश लाल ने निर्माण गिराए जाने से क्षुब्ध परिजनों का साथ दिया। खैर, आप सबकी जानकारी में ये भी लाना है कि भवन स्वामियों ने शनिवार को ही कोर्ट से स्टे भी ले आया था, मगर तब तक प्रशासन व नगर पंचायत इस पर कार्रवाई कर चुके थे। खैर, दूसरे दिन तमाम राजनीतिक दलों ने परिजनों के समर्थन में सड़क पर उतर आए व उप जिलाधिकारी प्रोला मुर्दाबाद के नारे लगाकर अतिक्रमण के खिलाफ चल रहे अभियान पर अपना गुस्सा जाहिर किया। खैर, उस दिन से अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर ब्रेक लग गया व प्रोला गांव की तरफ जाने वालों को चौड़े रास्ते के लिए अभी शायद लंबा इंतजार करना पड़ेगा। आइए थानाध्यक्ष प्रोला को एसडीएम प्रोला द्वारा पत्र में क्या लिखा गया है। दिनांक 21 मई 2022 को नगर पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटवाया गया, जिसके क्रम में विधायक द्वारा मुझे रात्रि 10 बजे पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आने को कहा गया। मेरे द्वारा रात्रि समय अधिक होने के कारण आने में असमर्थता जताई गई, क्योंकि मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला था कि विधायक व उनके राजनीतिक मित्र मेरे साथ किसी भी प्रकार की अभद्र भाषा व बदतमीजी कर सकते हैं। अगली तिथि 22 मई को प्रातः मैं विधायक से मिलने गया तथा विधायक द्वारा मुझे विश्राम गृह में मिलने से मना किया गया व मुख्य बाजार में ही मिलने को कहा गया। उसी दिन विधायक व उनके समर्थकों द्वारा मुख्य बाजार में हंगामा किया गया व उप जिलाधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। पत्र में उप जिलाधिकारी सोन सिंह सैनी ने समय समय पर उन पर अवैध कार्य करवाने को लेकर भी लिखा है। क्षमा चाहेंगे, उप जिलाधिकारी सोन सिंह सैनी ने पत्र में विधायक पर समय समय पर उन पर अवैध कार्य करवाने को लेकर दबाव की बात भी लिखी है। पत्र में एसडीएम सोन सिंह सैनी लिखते हैं कि विधायक द्वारा आवेश में आकर मेरे विरुद्ध कृष्णा राणा ग्राम फिताड़ी के माध्यम से सोशल मीडिया पर भ्रामक शिकायती पत्र डलवाए जा रहे हैं। पत्र में आगे जाने से पहले ये भी बता दें कि थानाध्यक्ष को लिखे पत्र की प्रतिलिपि डीएम उत्तरकाशी, एसपी उत्तरकाशी व सीओ बरकोट को भी प्रेषित की गई। अब आइए एसडीएम प्रोला के पत्र में जिस कृष्णा राणा का जिक्र है, उनके द्वारा सोशल मीडिया में क्या प्रेषित किया गया, जो घटना के एक हफ्ते बाद एसडीएम प्रोला को विधायक के खिलाफ तहरीर देनी पड़ी। ये पत्र दिनांक 15 अप्रैल 2021 को दुर्गेश्वर लाल व अन्य द्वारा मुख्यमंत्री उत्तराखंड को प्रेषित किया गया था। आप सबकी जानकारी के लिए बता दें कि पत्र प्रेषित किए जाने के समय दुर्गेश लाल विधायक नहीं थे, वह पत्र आज से 1 वर्ष पूर्व लिखा गया था। आइए पत्र पर एक नजर डालते हैं। पत्र का विषय क्या है? विषय है अति घूसखोर उप जिलाधिकारी प्रोला के व्यवहार के संबंध में। पत्र में लिखा है कि उप जिलाधिकारी प्रोला एक मनचला रंगीला व्यक्ति है। दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं
जो अपनी सड़क, बिजली, पानी, पेंशन, आवास, प्रतिकर आदि के संबंध में मिलने आती हैं, तो यह व्यक्ति क्षेत्र की नौजवान महिलाओं को कहता है कि आप शाम या दिन के समय आवास पर आ जाना, वहां पर आपके काम को अच्छे से समझूंगा व करूंगा। पत्र में उप जिलाधिकारी पर कई आरोप लगाए गए हैं। खैर, आगे उपरोक्त दोनों पत्रों पर क्या कार्रवाई होती है कहना मुश्किल है। खैर, संपूर्ण घटना का निचोड़ यही है कि भारत जैसे देश में ईमानदारी के मार्ग पर चलना कठिन ही नहीं अपितु कठिन सफर है, क्योंकि जिस देश के विधायक व सांसद निधि बेचकर कमीशन खाते हैं, उस देश के मंत्री व अधिकारी घूसखोरी नहीं करेंगे तो क्या जनता की सेवा करना चाहेंगे। आज संपूर्ण उत्तराखंड के हर घर में एक ही चर्चा होती है कि निर्माण व अन्य कार्यों में अधिशासी अभियंता, सहायक एवं कनिष्ठ अभियंता, बाबू व लेखा लिपिक, तहसीलदार व अन्य अधिकारियों का हिस्सा कितना प्रतिशत होता है। उत्तराखंड को भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने के जिम्मेदार यहाँ के हाईकमान आधारित मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने हाईकमान को खुश करने के लिए यहाँ की जनता का शोषण किया व उत्तराखंड को भ्रष्ट प्रदेश बना दिया। नमो न्यूज की खबर को अंत तक देखने के लिए आप सभी का आभार। आप सभी को मंगलमय भविष्य की शुभकामनाएं। नमो न्यूज को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। पुनः आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।